आइए दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं कुछ दिनों से आप लोगों के बीच आ रहा हूँ और यूट्यूब पर कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मेरी समझ से, मेरी बुद्धि जो कहती है, मेरे हिसाब से मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगे, अगर अच्छा लगे तो आप उसे लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं भी कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं। आज हम कुछ फिर प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे और आज अगर चर्चा नहीं हुई तो हम फिर बहुत लेट हो जाएंगे। आज जैसे हम बड़े बड़े लोग बंगले सजा रहे हैं, बंगले सजाने में लकड़ी की अद्भुत अद्भुत चीज़ें बनवा रहे हैं या बना रहे हैं, उसके लिए थोड़ी सी पेड़ों की बलि भी दी जा रही है, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा दी जा रही है, जंगलों का विनाश कर रहे हैं। तो मेरा तो नारा है कि बंद करो पेड़ों पर चलाना कुल्हाड़, अब बचाओ पानी पेड़ पहाड़। पानी पेड़ पहाड़ ये तो बचाना ही है हमको, इसके साथ साथ हमको कभी किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुँचाना है। इस दुनिया में भगवान ने हम सबको बनाया है और भगवान की बनी हुई दुनिया में जितना पानी पे, पृथ्वी पे, पेड़ों पर, फलों पर, फूलों पर, हवा पर जितना हमारा अधिकार है, उससे कहीं ज़्यादा अधिकार जानवरों का है। तो जैसे हम कई तरह की चीज़ों से घर सजाते हैं, पहले के टाइम में लोग घरों में जानवरों को मारकर, कई घरों में हमने देखा है कि दीवारों पर कई जानवरों को सींग लगाए रहते थे, इस तरह के जो सींग रहते थे, सींग लगाए रहते थे। तो अब तो वो नहीं हो रहा, मगर एक हर चीज़ का एक विकल्प है सोचने या उसको करने की थोड़ी इच्छा रहती है। तो जैसे हमको घर को सजाना है तो पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। देखिए, आप एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है, आप देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये देखें, ये किसी जानवर के सींग आपको लगते हैं, कितने नेचुरल है, कितने ओरिजिनल। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये देखिए, ये कभी ख़राब नहीं होगा, ये देखें। और इससे बड़े भी मैंने बनाए, ये देखिए, तो ये घरों को सजाने के लिए इतनी अच्छी चीज़ है। इसके लिए हमें पेड़ों की बलि देना नहीं है, ज़रूरी है ना ही पेड़ काटना है। आपको करना क्या है, आपको जो जलाऊ लकड़ी के टाल होते हैं या सूखी लकड़ी कहीं भी पड़ी रहती हैं या किसान भी जलाने के लिए लकड़ी लाते हैं, तो आपको उसमें देखें, कई बार ऐसी लकड़ी हमको मिल जाती है ऐसी, ये देखें, ये एक ही लकड़ी है, ये देखें, ये एक ही लकड़ी है, ये देखिए, बस मैंने कुछ नहीं करा, लकड़ी ऐसी मिलना चाहिए, नेचुरल मिल जाती है, जलाऊ में मिल जाती है, ये जलाने की लकड़ी है। तो इसको मैंने थोड़ी सी नोक कर दी है और एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ लगा के उसमें ये फेवी कोल लगा के यहाँ छोटी छोटी दो कील लगा दी। अब यहाँ एक बड़ा छेद करके आप इसको दीवार पे ऐसा सेट कर सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगेगा और हम किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और प्रकृति के में हम बचाने में एक हमारा योगदान कह सकते हैं कि हम पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाएँ। इस तरह से ऐसे आड़ी टेढ़ी जो जड़ें हैं, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसी तरह की आड़ी टेढ़ी जड़ से हम टेबल बना सकते हैं, हम कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं जिनको हम टेबल है, कुर्सी है, जो जलाऊ लकड़ी से। हमको अच्छी लकड़ी, अच्छे पेड़ नहीं काटना है, यहाँ वहाँ जो जलाऊ के टुकड़े हैं बाजारों में जलाऊ बिकती रहती है ढेरों से पड़ी है, आर मशीनों पर जलाऊ लकड़ी टाल पर, वहाँ से जलाऊ में से आड़ी टेढ़ी लकड़ी ले आए और घर पर आ गई तैयार करें। तो इस तरह से आप घर सजा सकते हैं और प्रकृति को ज़रूर बचाएँ। बंद करो पेड़ों पर चलाना कुल्हाड़, आप बचाओ पानी पेड़ पहाड़। चलिए, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।